साल भर बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध का नतीजा भले ही कुछ ना निकला हो, लेकिन रूस को घेरने की तैयारी अब चारों तरफ से तेज हो गई है। एक तरफ पश्चिमी देशों का यूक्रेन का सहयोग देना, तो वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बड़ा झटका दिया है। ICC ने यूक्रेन में हो रहे युद्ध अपराधों के लिए पुतिन को जिम्मेदार माना है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ICC ने बयान में सबसे बड़ा आरोप लगाया है कि यूक्रेन के सैकड़ों बच्चों को अनाथालयों और बाल गृहों से रूस लाया गया है, जिससे रूस में रह रहे परिवार उन्हें गोद ले सके। कोर्ट ने कहा कि 24 फरवरी 2022 को रूस के आक्रमण की शुरुआत में यूक्रेनी कब्जे वाले क्षेत्र में कथित रूप से अपराध किए गए थे। ICC का मानना है कि राष्ट्रपति पुतिन पर यूक्रेन में युद्ध अपराधों के आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत है। वहीं रूस ने अपने पड़ोसी यूक्रेन की ओर से लगाए गए इस तरह के अत्याचार के आरोपों को बार बार खारिज किया है। ICC के प्री ट्रायल चैम्बर 2 ने पुतिन समेत दो व्यक्तियों के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। रूस ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट पर करारा जवाब दिया है। क्रेमलिन ने ICC के अरेस्ट वारंट की तुलना टॉयलेट पेपर से की है। उनका कहना है कि ICC का ये कदम अवैध है, मॉस्को इसको मान्यता नहीं देता है। ICC के पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट के बाद टॉप रूसी अधिकारी भी आग बबूला हो गए हैं और ICC के इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या पुतिन गिरफ्तार हो सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन उन शक्तिशाली नेताओं की लिस्ट में है जो दुनिया में अपना एक अलग वर्चस्व रखते हैं। ऐसे में पुतिन कभी खुद तो सरेंडर करेंगे नहीं और ना ही रूस उन्हें ICC को सौंपेगा। मतलब ये कि जब तक वे रूस में रहेंगे उनको गिरफ्तार करना आसान नहीं होगा। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन पर मुकदमा चलाने में दो बड़ी बाधाएं हैं। पहली ये कि रूस ICC के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है और दूसरी ये कि पुतिन को गिरफ्तार किए बिना अदालत उन पर मामला नहीं चला सकती है। जानकारी के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC की स्थापना साल 2002 में हुई थी। इस संधि को रोम समिति भी कहा जाता है। इसके मुताबिक हर देश का ये कर्तव्य है कि ये अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों पर अपने देश का आपराधिक क्षेत्राधिकार लागू करे। ये नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। मौजूदा समय में ICC के नियमों का पालन कुल मिलाकर 123 देश करने के लिए सहमत है। वहीं रूस समेत कई देश इसका हिस्सा भी नहीं है।